नमस्कार, आप सभी का वीडी टीवी उत्तर प्रदेश में स्वागत है। राजधानी लखनऊ में कुत्तों का आतंक कम नहीं हो रहा। पहले पिटबुल नस्ल के खूंखार कुत्ते ने अपनी मालकिन को मौत के घाट उतार दिया था और अब एक ऐसा ही मामला राजधानी के कृष्णा नगर थाना इलाके से आया है, जहां पर रात्रि जागरण से घर लौट रहे युवक पर कुत्ते ने हमला कर दिया और उसके प्राइवेट पार्ट को पूरी तरह से डैमेज कर दिया। अब इस मामले में पुलिस ने कुत्ते के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, साथ ही कुत्ते को नगर निगम की टीम अपने साथ लेकर गई। लखनऊ के कृष्णा नगर थाना क्षेत्र में ये घटना कुछ दिन पहले की है। पीड़ित संकल्प निगम रात्रि जागरण देखकर घर वापस आ रहा था, तभी प्रेमनगर स्थित शिव मंदिर के पास कुत्ते ने उस पर अचानक हमला कर दिया और उसके प्राइवेट पार्ट पर काट लिया। इस घटना में युवक के प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोट आई है और खून बहने लगा। पीड़ित का आरोप है कि वह दर्द से कराहता रहा, लेकिन कुत्ते के मालिक ने उस कुत्ते को नहीं रोका और सब कुछ चुपचाप देखता रहा। इसके बाद पीड़ित किसी तरह अपने घर पहुंचा और वहां से गाड़ी लेकर लोक बंधु अस्पताल गया। अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे लखनऊ के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, क्योंकि हालत गंभीर थी। लगातार खून का रिसाव हो रहा था और मूत्राशय की नली डैमेज हो गई थी। बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल में पिछले 3 दिनों से उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की माने तो इलाज अभी लंबे समय तक चलेगा। लखनऊ कृष्णा नगर पुलिस ने धारा 279 में मालिक शंकर को गिरफ्तार करके पकड़ लिया है और पूछताछ कर रही है। वहीं कुत्ते को नगर निगम की टीम पकड़ के अपने साथ ले गई है। ताजा अपडेट के लिए वीडी टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।